बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्ला वन्ना सैयदना व मौलाना मोहम्मदन माहुआलु अस्सलाम वालेकुम तमामी वाईटी फैमिली को शामदीद कहते हैं। तो जी आज हम आप तमामी दोस्तों के लिए लेकर आए जी लबे शीरी की रेसिपी। 30 किलो दूध की आज हम लबे शीरी बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं जी आप तमामी दोस्त, 30 किलो दूध है जी। इसको जी हम अच्छे से जी हम पका लेंगे। जब दूध जी हमारा अच्छे से जी पक जाएगा तो उसमें फिर हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी हम शामिल कर रहे हैं जी 5 किलो। चीनी शामिल करने के बाद इसको जी फिर हम अच्छे तरीके से जी हम पकाएंगे। तो ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि जिस टाइम जो दूध में जो चीनी को भी जो अच्छे तरीके से जी पकाया जा रहा है। तो कस्टर्ड पाउडर है जी हमारे पास 1700 ग्राम। तो उसको अच्छे से जी हमने घोल लिया था। और ये देखिए जी अब दूध में जैसे हमारा अच्छे से जी उबाल आ जाएगा तो ये कस्टर्ड पाउडर जो हम दूध में जो शामिल कर देंगे। ये आप तमाम दोस्त देख भी सकते हैं इस टाइम जो है दूध में जी कस्टर्ड पाउडर जो अच्छे से जी हल करने का दूध में शामिल किया जा रहा है। और ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं जी इस टाइम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जी इसको जी पकाया भी जा रहा है ताकि जी कोई इसमें जी गुटली वगैरह ना रहे। और साथ ही जो इसमें हम फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। तो फ्रेश क्रीम हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी 4 किलो। 4 किलो फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद अब हम इसको जी अच्छे से जी हम मिक्स भी कर लेंगे। तो ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं इस कस्टर्ड की जो थिकनेस है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ना ज़्यादा जी गाढ़ी है ना ही ज़्यादा जो है पतला है। तो ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं इस टाइम। और साथ ही जो है इसको जब हम चूल्हे से भी जो है अलग कर लेंगे। लबेशी को जब हम एक पतीले में जी ठंडी करेंगे जी। तो साथ ही ये देखिए जी टमाटर है, साथ ही गोश्त भी जो है हमारा जी इस टाइम चूल्हे पर चढ़ा हुआ है। तो बीफ बिरयानी है जी, चिकन कढ़ाई और लबेशी बन रही है जी आज हमारे पास। तो ये आप तुम्हारे दोस्त देख सकते हैं गोश्त में जी नमक गर्म मसाले तमाम नमक वगैरह जो डाल के जी चढ़ा दिया गया। और साथ ही ये देखिए जी टमाटर, टमाटरों को जी हम पेस्ट बनाएंगे क्योंकि जी चिकन कढ़ाई है तो जी कढ़ाई के लिए जी टमाटर चाहिए होता है। सारी ये देखिए जी गोश्त हमारा गल चुका है तो गोश्त में जब हम जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे जी हरी मिर्च। ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं जी इस टाइम हरी मिर्च जो इसमें शामिल कर दी गई है। 30 किलो की जी लबे शीरी बन रही है हमारे पास। और साथ ही जो है कढ़ाई है जी हमारे पास चिकन की और बच्चे की बिरयानी। तो 24 किलो जी बिरयानी है हमारे पास और 30 किलो जी हमारे पास चिकन की कढ़ाई। तो ये देखिए जी इस टाइम जो अच्छे से जी मिक्स भी किया जा रहा है ताकि जी मिर्च और जो है गोश अच्छे से जी मिक्स हो जाए। ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं जी गोश की भी जो लुक हमारी। और साथ ही जो हम आपको जी टमाटर भी दिखा रहे हैं जो हमारे जो टमाटर जी इस टाइम जी कढ़ाई के लिए जो टमाटर जी हमारे पेस्ट बन रहा है तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ देख सकते हैं जी टमाटर का जी पेस्ट जी हमारे पास टाइम तैयार हो रहा है कढ़ाई के लिए। और ये देखिए जी टमाटर का पेस्ट जैसे हमारे पास तैयार हो गया। तो साथ ही जो हमने टमाटर के पेस्ट को जो हमने 3 देगों में जी बराबर से जी तकसीम कर दिया था। फिर उसमें जी हमने मिर्ची हमने इसमें शामिल कर दी थी, चिकन इसमें हमने शामिल कर दी थी, मिर्ची यानी कि जी कुटी हुई लाल मिर्च हमने शामिल कर दी। ये देखिए जी लबे शीरी जो है हमारी इस टाइम बर्फ में जी ठंडी हो रही है। साथ ही जो है कढ़ाई में इस टाइम जो है कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक और कढ़ाई का गर्म मसाला भी जो इसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसी जो है बिरयानी भी जो हमने 3 देगों में जी बराबर से जी तकसीम कर दी थी। कढ़ाई की जो मुकम्मल रेसिपी जो आप लोगों को मेरी चैनल पे मिल जाएगी तो उस वीडियो का लिंक भी जो मैं आप लोगों को जी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साथ ही जो आप लोग देख सकते हैं जिस टाइम जो है कढ़ाई की भी जो है बुनाई की जा रही है। साथ ही जो है किस टाइम कढ़ाई की भी जो है बुनाई चल रही है। और साथ ही जो है जो हमारी 3 देगे बिरयानी की 8-8 किलो की 3 देगे तो उनकी भी जो है साथ ही हम सेटिंग भी करेंगे। देखिए जी हल्दी जो है इसमें तमाम ही देगों में जी 3 देगों में बराबर से जी लगाई जा रही है। बिरयानी में जो हम ऑयल भी लगाएंगे जी 3 देगों में। अच्छा जी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी कढ़ाई की जो 3 देगे थी बुनाई जो हो रही है इस टाइम 2 देगों की, तो भाई 1 देग की जो बुनाई जो हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए जी बराबर से जो 3 देगों में जी ऑयल भी जो है शामिल हो चुका है। और 2 देगे जब हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएंगी तो बाद में फिर हम जो अपनी 3री देग जो हमारी कढ़ाई की फिर उसकी हम बुनाई करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम जो है इसमें बिरयानी का जो गरम मसाला वो इसमें हम शामिल करेंगे। 3 देगों में जी हम बराबर से जो है बिरयानी का जी गरम मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। बिरयानी का मसाला लगाने के बाद अब हम इसमें जी टमाटर शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं जी बराबर से जी हर एक में जी टमाटर जो है शामिल किया जा रहा है। टमाटर शामिल करने के बाद हम 3 देगों में जी बराबर से जो है लीमू भी जो है हम शामिल करेंगे। देखिए लीमू भी जो इसमें शामिल किया जा रहा है। लीमू शामिल करने के बाद हम इसमें जी हम धनिया पुदीना जी बारीक बारीक जो है कटा हुआ इसमें हम शामिल कर देंगे। इसके बाद फिर हम शामिल करेंगे जो इसमें जी अदरक और आलू बुखारा। अच्छा जी याद रहे अदरक जो हमने कुटी हुई गोश्त में हमने शामिल की थी, ऊपर से जी हम इसमें अदरक का लच्छा जी बना के भी जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक। ये आप लोग देख भी सकते हैं जी इस टाइम अदरक का लच्छा जो इसमें जी शामिल किया गया है। इसमें अब हम जो है खुशबू के लिए बिरयानी एसेंस और जी केवरा इसमें हम शामिल करेंगे।
और कस्टमर की डिमांड थी कि जी बिरयानी में जो है ज़ाफ़रानी एसेंस जो इसमें शामिल कर दिया, तो कस्टमर की डिमांड पर जो इसमें फिर हम ज़ाफ़रानी एसेंस भी जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि जी थोड़ी सी जो है ज़ाफ़रान से जो है खुशबू आनी चाहिए जी बिरयानी में, तो जी ज़ाफ़रानी एसेंस जो है बिरयानी में जी शामिल किया गया है। और साथ ही अब इसमें जी हम आलू बुखारा जो इसमें हम शामिल करेंगे। पीछे देख सकते हैं जी आप लोग कढ़ाई की जो बुनाई हो रही है, तो उसमें फिर हम ऑयल भी जो इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए जी कढ़ाई में जो है ऑयल भी जो है शामिल किया जा रहा है। ये देखिए जी पहले एक डेग फिर दूसरी डेग में भी जो है ऑयल शामिल हो चुका है और बराबर से जो है मुस्तकिल जो है कढ़ाई में जी बुनाई भी की जा रही है। और ये देखिए जी बिरयानी हमारी जो है तकरीबन जी 50% जी तैयार है। अगर इस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि अभी चावल तो दले नहीं है, चावल आगे जाके दलेंगे, तो वैसे जो है बिरयानी का जो सेटिंग है वो जी हमारी तैयार हो चुकी है। सिर्फ चावल का जी बिरयानी में जी इंतज़ार है। ये देखिए जी कढ़ाई हमारी, कढ़ाई भी जो है इस टाइम मुस्तकिल जो है इसमें जी कपकी चलाया जा रहा है, बुनाई की जा रही है जी कढ़ाई की। पानी हमारा जो है उबल चुका है, इसी उबलते हुए पानी में जी अपने चावलों को जी शामिल करेंगे। इन्हीं पानी में जी अपने चावलों को जी बॉयल करेंगे। ये देखिए जी चावल जब हम शामिल करेंगे जी उबलते हुए पानी में, ये देखिए बासमती राइस है जी अच्छे ब्रांड का, तो इसको जब हम पानी में जी शामिल कर देंगे। ये जो चावल जी हमारे इसमें शामिल हो चुके हैं, सारे जो पसाव का जो नमक है जी वो भी चखेंगे। ये आप लोग देखिए जी पहले कबकी चलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर नमक भी चखेंगे। तो ये देखिए जी नमक भी जो है चखा जा रहा है, तो नमक दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल बराबर है। और ये देखिए जी मुस्तकिल इसमें जी कबकी भी जो है जी चलाएंगे। अच्छा जी ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो खाना जी हमारे पास जो तैयार हो रहा है जी 225 अफराद का जी खाना जी हमारे पास तैयार हो रहा है। और ये देखिए जी अब हम जो है चावलों को जी पानी से जी अलग करेंगे। 40% जो है हमने चावलों को जी पानी में जी तैयार किया है। पसाव जी हमारा हो चुका है तीनों देगों में बराबर से, हमने चावलों को जी तकसीम कर दिया है। ऊपर से जी हमने इसमें ब्राउन प्याज इसमें हमने शामिल करी, ये आप तमाम दोस्त देख भी सकते हैं। और अब हम जो अपनी बिरयानी को जी लगाएंगे जी दम पे, ये देख सकते हैं आप तमाम दोस्त की बिरयानी को जिस टाइम जो है दम पे भी जो है लगाया जा रहा है। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू है, तो जिन लोगों से कहूँगा कि जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम लाते हैं जी आप तमाम दोस्तों के लिए जी मज़ेदार खानों की जी रेसिपी। और ये देखिए जी ये है हमारी जी कढ़ाई की जी तीसरी डेग, तो इसकी भी जब जी बुनाई जी की जा रही है। सारी जो इसमें जी हम हरी मिर्चें जी बड़ी वाली जो होती है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं हरी मिर्चें जो इसमें जी शामिल कर दी गई हैं। ये देखिए जी आप तमाम दोस्त ये मिर्चें, तो इस टाइम जो है तीसरी डेग जो हमारी कढ़ाई की, तो उसकी भी जो इस टाइम बुनाई जी की जा रही है। हमारी कढ़ाई जो जी अलहमदिल्ला से जी तैयार हो चुकी है। इस पर से जी हमने जो कढ़ाई का जी गर्म मसाला था वो भी जो हमने इसमें शामिल कर दिया है। तीनों देखिए जी अलहमदिल्ला हमारी कढ़ाई की जी तैयार है। चलें जी अब हम अपनी बिरयानी का जो दम है वो खोलते हैं। ये देखिए सबसे पहले जी हम बराबर से जो तीनों देग में जी ऊपर से जी हम ऑयल भी शामिल कर देंगे, तो पहली देग दूसरी देग और फिर तीसरी देग में जी हम बराबर से ऑयल शामिल कर देंगे। तो ये हमारे पास जी आज जो काम हो रहा है ये हो रहा है जी 225 अफराद का, तो जो इसमें है जी लबे शीरी, बीफ बिरयानी और चिकन कढ़ाई, सलाद ग्रीन थी और रायता था इसमें। ये देखिए जी आप तमाम दोस्त पहली देख का जी हमने दम खोल दिया है। और ये देखें जी बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार से जो इस टाइम जो इसमें खुशबू भी आ रही थी बिरयानी की, और ये लुक भी जो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं बासमती राइस है जी अच्छे ब्रांड का। ये दूसरी देख देखिए जी, दूसरी देख है जी हमारी बिरयानी की। और ऐसे ही जो है मैं आपको जी तीसरी देख भी जी बिरयानी की मैं दिखाऊंगा आप तमाम दोस्तों को। ये देखिए जी चावल भी जो आप लोग देख सकते हैं जी कितना खिला खिला जी चावल आया है। और ये हमारी जी तीसरी देख उसका भी जो है दम जी खोल लिया गया है, बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार से जो है खुशबू भी आ रही थी बिरयानी में, और लुक भी जो है आप लोग देख सकते हैं जी बहुत ही उम्दा जी इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। आप तमाम दोस्त देख सकते हैं बहुत ही उम्दा जी बिरयानी की जो है लुक भी आई है। वैसे बिरयानी का जो असल मज़ा है वो है भी बीफ की बिरयानी में। ये देखिए जी एक एक दाना जी खिला खिला। चलें जी अब चलते हैं जी अपनी लबे शीरी की जानिब। तो ये देखिए जी लबे शीरी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल जो है चिल हो चुकी है, तो इसमें जी अब हम जो इसमें शामिल करेंगे जी फ्रूट्स। इस फ्रूट्स में जी केला, सेब और अंगूर, और साथ ही इसमें जी टिन फ्रूट वाला जी मिक्स फ्रूट आता है वो भी जो हमने इसमें जी शामिल किया है जी।
और साथ ही इसमें जी रंग बिरंगी गोल मटोल सी जी चमचम भी इसमें जी हम शामिल करेंगे, छोटी छोटी सी जी चमचम, ये देख सकते हैं जी रंग बिरंगी गोल मटोल सी तीनों चीज़ें जिसमें शामिल हो चुकी हैं। तो जी अब हम इसमें जी शामिल करेंगे जी सिवैयाँ, कलर सिवैयाँ, फालूदा सिवैयाँ जी, वो भी जो इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। सिवैयों के बाद इसमें हम शामिल करेंगे जी ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में जी बादाम, किशमिश, पिस्ता, छुआरा, पाचो मगज और जी नारियल है जी लच्छे वाला, ये देख सकते हैं जी नारियल का जो है लच्छा बना हुआ है। तो ये तमाम ही ड्राई फ्रूट जो हम अपनी लबे शीर की देग में जी शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद उसको जी हम अच्छे से जी मिक्स भी कर लेंगे। तो यह तमाम दोस्त देख सकते हैं कि जी इस टाइम जो है तमाम चीज़ों को जी अच्छे से जी मिक्स भी किया जा रहा है। और ये चलें जी मैं आपको कबीर से भी दिखाता हूँ, ये देखिए जी अच्छे से जी तमाम आइटम जी मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी जेली, जेली है जी हमारे पास बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो जेली को जी हमने थाल में जी अच्छे से जी जमा लिया था, उसकी जब कटिंग करेंगे ये देखिए जी बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जी जेली है, तो इसकी जी कटिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों की जब कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको जी अपनी लबे शीर की डेग में जी शामिल करेंगे। हरी जेली जो हमने इसमें शामिल कर दी है और अब जो हम इसमें लाल जेली भी जो इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि जिस टाइम जो है लाल जेली जो इसमें जी शामिल की जा रही है, जेली जो है हमारी इसमें जी शामिल हो चुकी है। और साथ ही जो है अब आखिर में जी अब हम इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे। तो चॉकलेट चिप्स भी हमारे पास दो कलर में, ये देख सकते हैं आप लोग चॉकलेट चिप्स इसमें शामिल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी हमारी लबे शीर तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था, जो हमने 225 फ्लैट का खाना बनाया था, बहुत ही बेहतरीन जी प्रोग्राम हुआ। पार्टी को भी माशाल्लाह से जी खाना जो है बहुत पसंद आया। तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों से जी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ जी मुलाकात करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।